दिस इज निखिल सर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल का सर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चाहे यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, सबने अपने कुछ सिलेबस को रिड्यूस किया है, जिससे कि आपको काफी इजी रहे, काफी आसानी से आप आपके एग्जाम दे सको, काफी आसानी से आप पढ़ाई कर सको, सारे काम आप आराम से कर सको। ठीक, तो आज इसी क्रम में आपको जैसा कि पता है कि मैं एसएससी बोर्ड स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा एसएससी बोर्ड में, तो आपको वही सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जो आपके एग्जाम में आया है। दोस्तों, अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपको पहली चीज तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपके कंटेंट्स क्या क्या है, आपको पूरे साल क्या क्या पढ़ना है, आपको पूरा साल बचा भी नहीं, फिर भी देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने चैप्टर्स आपके हैं जो कि कम कर दिए गए हैं ना, और कितने चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, यही सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। तो देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। एक पार्ट बहुत जरूरी है ना, कंटेंट्स के, आपके कंटेंट्स क्या क्या है, कंटेंट्स का मतलब सिलेबस। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है, हर एक चीज एकदम अच्छे से मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर बताने वाला हूँ। तो मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। आइए देखते हैं। देखिए, आपका जो कंटेंट्स है वो मैं यूनिट वाइज आपको बताने वाला हूँ, यूनिट वन, यूनिट टू, सॉरी यूनिट थ्री, कितने सारे यूनिट्स हैं। और आपको पता है आपको 23 से 24 चैप्टर्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि थे। क्यों? क्योंकि कुछ जो सिलेबस आपका है, कुछ जो चैप्टर्स है वो रिड्यूस कर दिया गया है ना, 30% सिलेबस रिड्यूस करने की बात की, कुछ चैप्टर्स आपके क्या कर देंगे, रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। आप देख पा रहे होंगे लिखा है कि सर चैप्टर वन, चैप्टर टू, तो चैप्टर फोर कहाँ से आ गया है ना, तो अभी वीडियो पूरा लेके आपको समझ में आ जाएगा वो चैप्टर कहाँ गया। अब आप सोच रहे होंगे निखिल सर क्या ऐसा है क्या कि आपको चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, चिंता मत कीजिए, वो कोई भी आपको नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हैं ये क्या हो चुके हैं, रिड्यूस कर दिए जा चुके हैं, यानी कि ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपको जो है दोस्तों, फर्स्ट यूनिट देखेंगे कमर्शियल मैथमेटिक्स। क्या कमर्शियल मैथमेटिक्स? अब आप काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर कमर्शियल मैथमेटिक्स मुझे समझ नहीं आता क्यों पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर हम देखें चाहे सीबीएसई हो या फिर यूपी बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, तो उसमें तो ये पढ़ने के लिए आता है कि आपको जीएसटी के बारे में पढ़ना है, शेयर्स एंड डिविडेंड्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको बैंकिंग के बारे में पढ़ना है, तो सर मुझे ही क्यों पढ़ना। तो मैं आपको बता दूं, क्लास टेंथ एक ऐसा क्लास होता है जिसके बाद अगर आप इलेवेंथ में जाते हो तो आपके सामने कई सारे रास्ते खुले होते हैं। आपको ये होता है कि मैं इस रास्ते पर चलूं, मैं इस रास्ते पर चलूं, इवन ध्यान से आप समझें कि मतलब क्या है इसका। मतलब ये है कि टेंथ के बाद आप सोचते हो कि मैं साइंस स्ट्रीम लूं, कोई सोचता है मैं आर्ट्स में जाऊं, कोई सोचता है मैं मैथमेटिक्स से पढ़ूं, कोई सोचता है मैं बायो से पढ़ूं, कोई सोचता है कि मैं किससे पढ़ूं, कॉमर्स है ना, कॉमर्स लेकर के पढ़ाई करूं। तो देखिए क्या होता है, ये सारी चीजें आपको टेंथ में इसलिए ही पढ़ा दी जाती हैं ताकि अगर आप टेंथ के बाद इलेवेंथ में जाएं तो आपको कोई भी चीज की दिक्कत एकदम भी ना हो, आप एकदम आसानी से वो सारी चीजें क्या कर सको, समझ सको। इसी के लिए आपको ये चैप्टर इंक्लूड किया गया, ये यूनिट इंक्लूड किया गया। और आप यकीन मानिए कि आईसीएसई बोर्ड का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है जो कि आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो आपको हर एक चीज, एक एक क्वेश्चन ऐसे तरीके से बताए जाएंगे जो आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में भी जितने क्वेश्चन आएंगे सिर्फ उतने ही क्वेश्चन बताए जाएंगे, बाकी आपको बुक्स का या फिर क्वेश्चन का बंडल नहीं बनवाना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर वन जो कि आपका क्या है, जीएसटी, जिसको हम बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ना, जीएसटी, ये आपको पढ़ना है। मैं आपको बताऊंगा, आपको बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बताऊंगा आपको अच्छे से। देखिए चैप्टर वन क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, इसमें लगभग आपके 3 या 4 एक्सरसाइजेस हैं, इसको मैं आपको एकदम अच्छे से कम्प्लीट करवाना है। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जीएसटी से ही करेंगे। दोस्तों व्हाट्सएप पे मैंने एक ग्रुप भी बनाया है निखिल सर एसएससी नाम से, अगर आप भी उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें अबाउट में जाएं, वहां पर हमारा ईमेल एड्रेस दिया हुआ, वहां से आप जाकर हमें मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में आकर के आप डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। आपके नंबर को मैं उसको व्हाट्सएप पे क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा आपके नंबर को। ठीक, उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको ऐड कर लूंगा। ठीक, और काफी बच्चों के पास ऐसा है जिनके पास की बुक्स नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो आप बुक्स फटाफट खरीद लें, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसा आपका कमेंट आएगा उसके अकॉर्डिंग लिंक डाल दूंगा, आप जाकर वहां से बुक इजिली खरीद सकते हैं। तो देखिए चैप्टर क्या, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। सेकंड क्या है, सेकंड आपका बैंकिंग, सेकंड किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड है, और सेकंड जो चैप्टर बैंकिंग है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जबरदस्त है, काफी मजा आएगा पढ़ के। अगर आपको लग रहा हो कि अरे यार मैथमेटिक्स तो बहुत फसावट वाला चैप्टर है, सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आता है, तब आपका ये चीज दूर होने वाला है। ठीक, चलिए फिर आपका सेकंड जो यूनिट है वो आपका अलजेब्रा। अब आपने सर चैप्टर फोर कहाँ गया, चैप्टर फोर, चैप्टर थर्ड कहाँ गया, तो मैं आपसे बता दूं कि जो हमारा चैप्टर थर्ड है वो था शेयर्स एंड डिविडेंड्स। क्या था, शेयर्स एंड डिविडेंड्स, जिसको भी हटा दिया गया है। ठीक, तो ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, तो यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर पढ़ना, जीएसटी और बैंकिंग, सारी चीजें आपको एकदम विस्तार में खत्म की जाएंगी। फिर आपका अलजेब्रा,
अलजेब्रा में देखा चैप्टर 4 क्या है, लीनियर इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं इन वन वेरिएबल, लीनियर इन इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। उसमें देखिए मैथमेटिक्स आपका यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स आपका यहीं से स्टार्ट होता है, बाकी सब तो कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एग्जाम में पूछता है, ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं पूछता ना, पूछता जरूर है, ठीक। फिर देखें चैप्टर 5 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जो कि आपको पढ़ना है, और इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पूछे जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आपको समझना है। फिर चैप्टर 6 जो है आपका सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग सिंपल प्रॉब्लम्स किससे रिलेटेड है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, तो यहाँ पर क्या वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा आपको चैप्टर 6 के अंदर, आपको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा, उससे रिलेटेड इक्वेशन आपको क्या बताया जाएगा। फिर आपको चैप्टर 7 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसमें आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन मानने के लिए इजिली मैं बताऊंगा, आपको अच्छे से बताई देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए चैप्टर 8 हमारा जो यूनिट 2 के अंदर ही आता है, क्या है वो रिमाइंडर एंड फैक्टर्स थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मैं एग्जाम से रिलेटेड बात करूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है ना, ये क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, आपके लिए जानना, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ चैप्टर 9 का, तो चैप्टर 9 जो आपका वो है मैट्रिसेस, चैप्टर 9 क्या है मैट्रिसेस, ये बहुत ही अच्छा है। मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ, जैसे क्लास 11th में पढ़ाया जाता है, पहली बार इसका दर्शन ही कराया जाता है ना, इंट्रोडक्शन होता है, लेकिन आपने एकदम पढ़ना है। फिर चैप्टर 10 आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी, क्या पढ़ते हैं एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 11th चैप्टर जो है आपका वो हटा दिया गया है, जो कि क्या था जीपी था, वो क्या था जीपी था, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपका हटा दिया गया है, जो कि आपको 11th चैप्टर में पढ़ना था, ठीक। आपको वही सारी चीजें बताई जाएंगी, कंटेंट इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जो आपके एग्जाम में आपको पढ़ना है। फिर देखिए यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में भी काफी पूछता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें तो। इसमें चैप्टर 12 आपको पढ़ना क्या है रिफ्लेक्शन, आप कहेंगे अरे सर रिफ्लेक्शन तो फिजिक्स में आता है, तो इसमें देखिए आपको किस तरह बताया जाएगा, इसमें आपको एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस और एक्स इज इक्वल्स टू ए, वाई इज इक्वल्स टू ए, इन सब के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगे। फिर आपका दोस्तों चैप्टर 13, क्या चैप्टर 13 आपका सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, उससे काफी क्वेश्चन सबसे पूछे भी जाते हैं, ठीक। अगला चैप्टर 14 इक्वेशन ऑफ अ लाइन, यानी एक लाइन का इक्वेशन, तभी चैप्टर 14 तक हुआ, यूनिट 3 तक हुआ, अभी और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, आइए उसको देख लेते हैं और इसको इरेज करके उसको पढ़ते हैं, और कंटेंट्स आप जान जाइए ताकि पढ़ाई करने में आसानी रहेगा। तो आज हमारा ये वीडियो है, कल हमारा आएगा पहला वीडियो इस पर GST क्वेश्चन सर्विस टैक्सेस पर, ठीक। एकदम निश्चिंत होकर के पढ़ाई करें, टेंशन फ्री होकर के पढ़ाई करें, क्योंकि आपको ना सिर्फ कोर्स खत्म करना है बल्कि आपको समझना भी है। तो चलिए इसको इरेज करके नेक्स्ट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें, लेकिन ज्योमेट्री ना पढ़ें ऐसा कैसे हो सकता है, तो सिलेबस वहाँ पे ज्योमेट्री पे, चलिए देख लेते हैं। फिर आपका यूनिट 4 ज्योमेट्री है ना, इसमें आपका चैप्टर 15 जो स्टार्ट होता है वो आपका सिमिलैरिटी केसेस में विद एप्लीकेशंस टू मैथ्स एंड मॉडल्स, इसका आपको पढ़ना है सिमिलैरिटीज के बारे में, बहुत ईजी चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर, ठीक, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आपको काफ़ी अच्छा आएगा। फिर आपका चैप्टर 17 जो इसी में है ज्योमेट्री में, वो है आपका सर्कल्स, क्या है सर्कल्स है, सर्कल्स का नाम आपको पढ़ना है। फिर चैप्टर 18 जो कि टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स है ना, क्या टेंजेंट्स एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स, इसके बारे में आपको काफ़ी डिटेल में बताने वाला हूँ, काफ़ी अच्छा बताने वाला, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जानना भी और पढ़ना भी, ठीक। अगला आपका चैप्टर 19 जो कि है आपका कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किस इसका, तो सर्कल्स से रिलेटेड जितने कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में आपका इतना वीडियो है, आप उसमें पढ़ना। अगला आपका यूनिट 5 जो कि मेंसुरेशन, यूनिट 5 भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंसुरेशन जो कि है चैप्टर 20 में सिलेंडर कोन एंड स्फीयर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके बारे में आपको इसके अंदर पढ़ना है। और चैप्टर 20 है आप यकीन माने चाहे आप 11th में हो चाहे 12th में हो चाहे ग्रेजुएशन करें चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने के एग्जाम, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चैप्टर 20 तक हो गया, वही आगे बढ़ते हैं चैप्टर आपका 21 जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के बारे में है, तो इस बार मैं आपको बताऊंगा। और आपका जो यूनिट 6 है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री, मैं आपको बता दूँ दुनिया का सबसे आसान अगर कोई यूनिट है तो ट्रिग्नोमेट्री का ही है, अगर कोई पार्ट है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का ही, तो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी अच्छा है, अच्छा है मतलब इसी बोल सकता है इसको। चैप्टर 20 में ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है, चैप्टर 22 क्या है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के बारे में पढ़ना है, यानी कि ऊंचाई और दूरी बोलते हैं इसको हिंदी में, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर देखिए अगला आपका चैप्टर 23, 24 और 25, तो वो क्या है 23 आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
सर मैं आपको बताऊँगा स्टैटिक्स के अंदर जो कि स्टैटिक्स काफ़ी अच्छा है। चैप्टर 24 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, माना क्या है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और 25 और लास्ट चैप्टर प्रेजेंट प्रोबेबिलिटी, ये भी आपका चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो को पसंद आपका प्योर पसंद आया, तो लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप किस क्लास में हैं, आपको इसमें कुछ कमी दिख रही है या नहीं, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आकर के डायरेक्ट आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के हैव ऑल द बेस्ट।